वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, और एक्चुअली विदाउट ओपनिंग डीमैट अकाउंट आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाया और मेरा जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे एक लिंक आ गई थी उनकी तरफ से। अगर आप फायर्स में अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा जो आपको कहीं और पता नहीं चलेगा, और सीधे डीमैट अकाउंट जब आप खोल लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा और आप शॉक हो जाएंगे। इसलिए गाइस बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी आप इस वीडियो को देख करके सारे फीचर्स के बारे में जान लीजिए और आप एक सेटिस्फाई हो जाएंगे सारे फीचर्स को देख करके कि क्या आपके लिए ये डीमैट अकाउंट वर्थ है, क्या वो फीचर जो क्वालिटीज आप ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस इस वीडियो के अंदर फायर्स के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, खोल खोल करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, चार्जेस के बारे में बात करेंगे, इनके मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे, इनके दूसरे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, इनका ऐप कैसा है, मार्जिन चार्जेस क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो गाइस आप आराम से केयरफुली कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, कोई भी फीचर अगर आपसे मिस हो गया तो जो आपका कंक्लूजन है फायर्स में डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में वो चेंज हो सकता है, इसलिए आपका डिसीजन सही हो वीडियो को पूरा केयरफुली एंड तक वॉच करना। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर बात करते हैं हम चार्जेस की। तो गाइज चार्जेस में मैं आपको बताऊँ, फायर्स के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो एग्जैक्टली जीरोधा के बराबर हैं, सेम है यहाँ पर आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो नहीं लगते हैं। जीरोधा आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज करता है और आपसे यहाँ पर वो ब्रोकरेज चार्जेस तो सेम है, अकाउंट ओपनिंग के लिए जीरोधा कुछ पैसा चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पर फायर्स के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है, आपको यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है। ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपी या 0.03% जो भी लोअर होगा वो चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस के मामले में काफ़ी ठीक ठीक ब्रोकरेज चार्जेस हैं, अकाउंट ओपनिंग अकाउंट मेंटेनेंस भी आपको फ्री मिल जाती है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। सर्विसेज का मतलब है यहाँ पर करेंसी, कमोडिटी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। गाइज मैंने पहले एक वीडियो बनाया था फायर्स के ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब फायर्स ने अपना एक ये फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है। इन्होंने फायर्स ने अलग अलग छोटे छोटे से पोर्टल बना रखे हैं, फायर्स आईपीओ है, फायर्स एसजीबी है, इस तरीके से करके। तो यहां पर आपको एसजीबी का फीचर भी अब इनेबल कर दिया गया है, आप यहां से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। इसके बाद यहां पर ऑर्डर टाइप्स की बात करेंगे, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर, ये सारे ही ऑर्डर्स अब आपको यहां पर मिल रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीटीटी ऑर्डर यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन गाइज अब इन्होंने जीटीटी ऑर्डर भी इनेबल कर दिया है। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता भी रहता हूं, गाइज ये जो डीमैट अकाउंट्स है ये काफी डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, इसलिए अगर कोई आज डिसएडवांटेज है तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने या साल भर बाद वो डिसएडवांटेज उस ब्रोकर के अंदर रह जाए। इसलिए आप चैनल पर जो अपडेटेड वीडियोस आती हैं उनको वॉच जरूर किया कीजिए, उसके बाद ही अपने डिसीजन जो है वो लिया कीजिए। अब गाइस बात करते हैं यहां पर कस्टमर सर्विस की। तो गाइस चैट सपोर्ट आपको विदाउट साइनअप के यहां पर वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला है, लेकिन कॉल की अगर बात करते हैं तो कॉलिंग के भी इनके लिए अलग अलग नंबर इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। जो इनका अकाउंट ओपनिंग वाला नंबर है उस पर जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ पर बॉट बोलता है और वो एक दो ऑप्शन आपको देगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर मैंने जो एक मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने कॉल किया, वहाँ पर बॉट आया, 2-3 ऑप्शन उसने बताए, मैंने वो फॉलो किए, लेकिन वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, और एक्चुअली विदाउट ओपनिंग डीमैट अकाउंट आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाया और मेरा जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे एक लिंक आ गई थी उनकी तरफ से, यहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, इसलिए मैं यहां पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब ही रहा है। अब गाइज बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, बात करते हैं यहां पर यूएस स्टॉक्स की और स्टॉक एसआईपी की। ये दोनों ही फीचर्स आपको यहां पर नहीं मिलते हैं, यानी कि अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपको फायर फैसिलिटी नहीं दे रहा है। इसके अलावा स्टॉक्स में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बास्केट बना करके तो भी गाइस आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। गाइस इस चैनल पर हम कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको धीरे धीरे, कुछ स्टॉक्स को एक्चुअली रिकमेंडेशन नहीं कहेंगे उसे, हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ स्टडीज हमारे जो स्टडीज हैं वो आपके साथ शेयर
क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप SIP कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए SIP। तो अगर आप SIP टाइप करेंगे तो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उन कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ जिनमें SIP की जा सकती है। अब बढ़ते हैं हम वीडियो के दूसरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने कस्टमर केयर को डिस्कस कर लिया, US स्टॉक्स को और स्टॉक SIP को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं गाइज मार्जिन चार्जेस की। तो गाइज एक्चुअली मार्जिन के मामले में यहाँ पर फायर्स जो है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर रखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिलीवरी में कोई मार्जिन नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो इंट्राडे का मार्जिन है वो 5x मार्जिन आपको मिलेगा, 5 गुना। कहने का मतलब अगर आप 1,00,000 रुपये डालते हैं तो 4,00,000 ये आपको दे देंगे। इस तरीके से 5 गुना तक आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। केवल इंट्राडे में ये मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवरी में ये कोई मार्जिन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब इसके अलावा इनको इनका जो मोबाइल ऐप है गाइज उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन किए बिना आपको यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आपको यहाँ डीमैट अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। तो इनका जो मोबाइल ऐप है गाइज उसकी रेटिंग है 4.3 स्टार्स और यहाँ पर जो डाउनलोड्स हैं वो करीब करीब 1 मिलियन के आसपास हैं। तो गाइज अच्छे खासे डाउनलोड्स हालांकि इनके हो चुके हैं। अभी ये जो डीमैट अकाउंट है काफ़ी ज़्यादा पहले के बजाय कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, और जो मार्केट में अभी फिलहाल जो नए डीमैट अकाउंट्स चल रहे हैं, धन है, एम स्टॉक है, या इसके अलावा और भी कई लोगों के ऐड चल रहे हैं, तो उन सब के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि फायर्स जो है ये एक अच्छा डीमैट अकाउंट है अगर आप कोई नया डीमैट अकाउंट कंसिडर कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि फायर्स नया है, लेकिन अभी इनका क्लाइंट बेस उतना बड़ा नहीं है जितने ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स पॉपुलर हैं, उस हिसाब से इनकी इतनी पॉपुलरिटी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट कंसीडर कर रहे हैं किसी छोटे डीमैट अकाउंट में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कंपैरिजन टू एम स्टॉक्स एंड धन या कोई दूसरे जो भी नए आप नाम सुन रहे हैं उनके कंपैरिजन में फायर्स आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप कोई एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के उनमें डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। वहां पर मैंने कुछ 5 डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं जिनमें से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स और पेटीएम आपके लिए सुटेबल रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो एंजल वन या IIFL में आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बैंक ढूंढ रहे हैं डीमैट अकाउंट बनाने के लिए तो मेरे कंसिडरेशन के हिसाब से कोटक सिक्योरिटीज अभी फिलहाल ठीक चल रहा है, वहां आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इन 5ों ही जगह हमने खुद भी अपने डीमैट अकाउंट बना करके ट्राई एंड टेस्ट इनको करके देख रखा है। तो आप बेफिक्र होकर के निश्चिंत होकर के अपने डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और गाइज हमारी जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने अभी एक नया चैनल स्टार्ट किया है 57 गेम्स के नाम से, जहां पर अगर आप ऑनलाइन गेम खेल करके अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके कई सारे लेजिटिमेट मेथड्स हम आपको वहां पर सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जाकर के हमारे चैनल 57 गेम्स को भी विजिट कीजिएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए माई कंपनी को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं गाइज फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।